नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह sharefreak.in से। आज फिर से हम लोग निफ्टी के डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी में आज क्या हुआ और फिर वेडनेसडे को क्या होगा। ट्यूजडे इज द हॉलीडे, ट्रेडिंग हॉलीडे, सो वेडनेसडे के लिए हम लोग स्ट्रेटजी बनाएंगे। पहले देखते हैं कि आज क्या हुआ। निफ्टी का डेली चार्ट है और निफ्टी के डेली चार्ट में, जैसा कि मैं पिछले दो तीन से मैं बोल रहा हूं कि निफ्टी में वी हैव टू रीच दिस टारगेट लाइक 17,700 से लेकर 17,680 के बीच में, यहाँ पे एक लेवल बनेगा। क्योंकि पहले जो हमने जब एनालिसिस करना शुरू किया था तो ये टारगेट ऐसा आ रहा था विच वॉज कमिंग 17,700 और उससे थोड़ा ऊपर, डिक्लाइन ट्रेंड लाइन है तो इसका टारगेट भी डिक्लाइन करता जा रहा है और इसलिए अभी 17,680 के आसपास हम देख पा रहे हैं इसका टारगेट। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी अभी भी है हमारी है। चलिए इंट्राडे चार्ट को देखते हैं और फिर समझते हैं कि इंट्राडे चार्ट में आज क्या हुआ और आपको आगे क्या करना चाहिए। ये 15 मिनट का चार्ट है और 15 मिनट के चार्ट में व्हाट वी कैन सी दैट कि यहाँ पे मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन होकर नीचे आया और नीचे आने के बाद इट टुक द सपोर्ट एंड गिवन द ब्रेकआउट। तो ये जो था डबल बॉटम पैटर्न बनाया यहाँ पे 15 मिनट चार्ट में। फर्स्ट लेग था जो फ्राइडे को बन चुका था और सेकंड लेग आज बन गया एंड देन डबल बॉटम ब्रेकआउट जो हुआ 17,400 के आसपास हुआ। आफ्टर दिस ब्रेकआउट कंटिन्यूअसली निफ्टी हैज गॉन अबव दैट। सो हमारा एक पहला लेवल यहाँ पर था 17,480 का, इसको क्रॉस करते ही हमारा दूसरा लेवल था 17,520 का, जो हमने सुबह में ही ये टारगेट डिफाइन कर दिया था कि इसके बाद अगर यहाँ से निकलेगा तो क्या ट्रेड करना है। अगर इस लेवल से निकलेगा तो हमें यहाँ के लिए ट्रेड करना है और फिर यहाँ से यहाँ तक के लिए ट्रेड करना है। तो दीज लेवल्स आई हैव ऑलरेडी गिवन इन माय टेलीग्राम चैनल, सो एग्जैक्टली हमने वहाँ तक टारगेट अचीव कर लिया। सो इट्स ऑल अबाउट द टेक्निकल एंड द डेटा, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द हाउ टेक्निकल वर्क, अंडरस्टैंड द डेटा। वेडनेसडे को क्या करना है हमें कि अभी यहाँ से हमें यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाना है 15 मिनट चार्ट पे एंड देन दिस ट्रेंड लाइन जो हमारा नीचे की तरफ था उसको मैंने एक्सटेंड कर दिया है एंड आई विल जस्ट रिमूव दिस ट्रेंड लाइन फॉर द बेटर व्यू। तो ये जो है अभी सपोर्ट 17,480 के आसपास ये सपोर्ट बनेगा। आपको याद होगा फ्राइडे के वीडियो में कि 17,484 के ऊपर अगर निफ्टी टिकता है तो 17,550 तक के लिए ट्रेड लेना है। मैंने ये फ्राइडे को बोला था, मैंने तीन सिनेरियो दिया था। एक कि अगर निफ्टी नीचे ओपन होता है तो आपको बाई कहाँ करना है, मैंने बाई बोला था 17,350 के पास आए तो जरूर बाई कीजिएगा। तो आज निफ्टी ऑलमोस्ट 17,350 के पास आया और फ्राइडे की वीडियो में जैसे हमने बोला था इस लेवल पे हमारा बाई बना और यहाँ से वापस निफ्टी 350 से लेकर 550 के आसपास ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का मूवमेंट निफ्टी ने दिया। तो ये जो लेवल हमने बताया था वैसे ही निफ्टी में मूवमेंट हुआ, निफ्टी ओपन होने के बाद नीचे आया, यहाँ पे हमारा बाई इनिशिएट हुआ, फिर इसके बाद यहाँ से ऊपर गया। नेक्स्ट लेवल जो था 17,485 के ऊपर अगर होल्ड कर ले तो इसके ऊपर हमको 17,550 तक के लिए ट्रेड बनाना है, ऐसा हमने फ्राइडे के वीडियो में बोला था, राइट। तो इस चीज को हम आज कंप्लीट कर लिए। अगर आपको लेवल्स पता है तो एग्जैक्ट लेवल टू लेवल निफ्टी ने मूव किया है, जरा भी इधर उधर नहीं हुआ है। आप फ्राइडे के वीडियो को वॉच करेंगे और आज के निफ्टी के मूव को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसा जैसा मैंने कहा 17,350, 17,480 के ऊपर एंड देन 17,550, सो ऐसा ही एग्जैक्टली हुआ। अब आगे क्या होगा यहाँ से, अब 17,450, पहले क्या था 17,350 मैंने बोला था कि इसके पास आए तो जरूर बाय कीजिएगा, राइट। तो आज ये हो गया, अब हमारा है 17,480 का लेवल है। ये लेवल पे हो सकता है कि जैसे यहाँ पे फर्स्ट लेग फ्राइडे को बन चुका था, सेकंड लेग यहाँ बना, आज एक लेग बन चुका है और अगला लेग यहाँ बने आपको वेंसडे को एंड देन इट कैन गिव वन मोर मूव टुवर्ड्स द 17,585 के आसपास। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है, अगर 17,480 से लेकर 17,450 के नीचे निफ्टी अगर टूट जाता है, अगर नीचे आ जाता है तो इमिडिएटली आपको निफ्टी का जो सपोर्ट आएगा यहाँ पे नीचे से आता हुआ ये ट्रेंड लाइन है वो आएगा। तो 17,450 जो है ये मुझे नहीं लगता है कि आसानी से टूटेगा, अगर टूटा भी तो अगला लेवल 17,400 एंड देन 17,350। तो एवरी 50 पॉइंट्स देयर इज अ लेवल शिफ्ट होते जा रहे हैं। हमने स्टार्ट किया था 17,130 से, देन 17,200 आया हमारा बड़ा लेवल, देन 17,297 आया, देन 17,350 आया, देन 17,480 आया
एंड देन कल फ्राइडे को बोला था इसके ऊपर जाएगा तो जाएगा, अब सपोर्ट जो है 17,400 अभी यहाँ पर 450 का ही लेकर हम लोग चलेंगे, क्योंकि इस लेवल पे मुझे लगता है एक बार आना चाहिए। अगर डायरेक्ट निफ्टी खुलता है 17,550 के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल 17,550 के ऊपर डायरेक्ट यहाँ खुल जाता है, तब तो यहाँ पे आपको निफ्टी वेंसडे को ही 17,650 का दर्शन करा देगा आपको। अगर नहीं खुलता है, अगर नीचे या फ्लैट खुलता है, तो आपको 17,480 से लेकर 17,450 के बीच में बाइंग शुरू कर देना है, ठीक है। ज्यादा उम्मीद मुझे 17,480 से 70 के बीच का ये रेंज जो है, ये रेंज का मुझे लग रहा है यहाँ पे आपको बाइंग इनिशिएट कर लेना चाहिए। अगर यहाँ पे आता है तो हो सकता है यहाँ कॉन्सोलिडेट करे, बिकॉज हर बार की तरह वही चीज मैं फिर से बोलूंगा कि ऊपर में स्पेस चाहिए। अगर तुरंत ऊपर में चला जाएगा तो यहाँ पर मूवमेंट नहीं मिलेगा और निफ्टी को उतना स्पेस नहीं मिलेगा, सो अगेन इट विल कम डाउन, टेक द टाइम, बिकॉज इट इज ए असेंडिंग ट्रेंड लाइन। ये थोड़ा टाइम लेगा और टाइम लेकर ऊपर में एक बड़ा मूव देगा जो 17,580 से 17,600 की तरफ भी जा सकता है, अगर निफ्टी फ्लैट या नीचे खुले विद द स्टॉप लॉस ऑफ 17,450 के नीचे। अगर 17,550 के ऊपर डायरेक्ट खुल जाता है तब तो आपको यहाँ पे कंसोलिडेट करके वापस 17,650 की तरफ निफ्टी जाएगा, जिसका जो निफ्टी का एक फाइनल ऑलमोस्ट फाइनल टारगेट पोजिशनल जो हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे वो आ जाएगा। तो यहाँ तक तो हमें पता है कि यहाँ तक ये ट्रेंड लाइन है और इस बार 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 इस निफ्टी यहाँ पर आ रहा है, बट इसके ऊपर जाने के बाद क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम यहाँ तक की रैली को समझ लेते हैं। यहाँ पर होने के बाद हर बार यहाँ से रिजेक्शन हुआ है, अगर नहीं होता है देन विल थिंक ऑफ नेक्स्ट लेवल टुवार्ड्स 17,800 और 900 का। नाउ विल सी द डेटा। ये निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा है एंड निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा में व्हाट वी कैन सी, निफ्टी हैज गिवन ए क्लोजिंग, निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया है 17,500 के ऊपर दिया है। सो 17,500 पे 46 लाख का ओपन टेस्ट है कॉल साइड में एंड 54 लाख का ओपन टेस्ट है पुट साइड में। सो यहाँ पर भी पुट राइटर्स आर बिट स्ट्रॉन्ग एंड यहाँ पे अनवाइंडिंग हुआ है 17,500 पे एंड ओआई एडिशन 41 लाख का हुआ है पुट साइड में विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग। सो ये 17,500 जो है इमिडिएटली एज पर द डेटा बहुत ही अच्छा मुझे सपोर्ट दिख रहा है। तो ये सारे अनवाइंडिंग ने निफ्टी को ऊपर की तरफ खींचा। मैं हर बार यही बोलता हूँ कि निफ्टी में आपको देखना है चेंज इन ओआई में दोनों साइड में कि किस साइड से अनवाइंडिंग चालू हो रहा है। अगर कॉल साइड से हो रहा है तो निफ्टी ऊपर जाएगा, अगर पुट साइड से हो रहा है तो निफ्टी नीचे जा रहा है। तो ये चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट जो लेवल है 17,450, यहाँ पे 18 लाख का ओपन टेस्ट है पुट साइड में एंड 7 लाख का ओपन टेस्ट कॉल साइड में एंड दैट टू 8.8 लाख का अनवाइंडिंग भी हुआ है। तो इतने सारे अनवाइंडिंग के बाद मुझे नहीं लगता है कि निफ्टी नीचे की तरफ अभी देखेगा। अभी जो डेटा दिख रहा है ये डायरेक्ट निफ्टी को ऊपर की तरफ का ही मूव देने के लिए रेडी हो रहा है। हमारा अल्टीमेट टारगेट कहाँ पर है, 17,700 एज पर दी चार्ट, राइट। अभी आपको देख सकते हो यहाँ 17,650 पे 2.5 लाख का आज अनवाइंडिंग हुआ है, मीन्स कॉल जिन्होंने शॉर्ट किया है, कॉल जिन्होंने बेच कर रखा है, उनमें से कुछ वीक लेग्स हैं जो डर कर निकल चुके हैं कि ये सोचकर कि हो सकता है कि वेंसडे को निफ्टी डायरेक्ट बड़ा मूव दे दे 17,600 के ऊपर, 100 या 150 पॉइंट का गैप अप या कुछ मत ऐसा हो जाए, इसके कारण वैसे कॉल राइटर्स कुछ निकल चुके हैं। सो इन लुकिंग इन टू दैट वी कैन सी दैट That we have the very good hope of 17,700. यहाँ पर पहुँचने के बाद फिर हम लोग सोचेंगे कि आगे का क्या प्लान करना है एज पर द टेक्निकल चार्ट। 17,700 टू 17,685 ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए, और यहाँ पर इस लेवल के लिए निफ्टी में कंटिन्यूसली वन साइडेड मूव नीचे से हो रहा है। और ये जो शॉर्ट कवरिंग हुए हैं, शॉर्ट कवरिंग और भी अगर जारी रहता है, यहाँ 46 लाख अभी भी पेंडिंग है, अगर 17,500 के ऊपर निकल जाता है तो यहाँ 20 लाख, अगर 17,600 के ऊपर निफ्टी निकल जाता है, अगर गैप अप दे देता है तो यहाँ पर 50 लाख 53 लाख, सो ऑलमोस्ट मोर देन 1.2 सीआर कॉल राइटिंग इज ऑलरेडी डन इन दिस लेवल फ्रॉम 17,400 टू 17,600। इन लेवल्स के बीच में इतना सारा कॉल राइटिंग हो रखा है। अगर निफ्टी बड़ा मूव देता है 17,600 के ऊपर खुल जाता है तो इनमें पैनिक आएगा और ये निकल जाएंगे। इफ दे स्टार्ट एग्जिटिंग देन निफ्टी डेफिनेटली टच 17,700। सो डेटा के अनुसार 17,500 इज लुकिंग टू बी अ गुड सपोर्ट फॉलोड बाई 17,450 एंड रेजिस्टेंस 17,600 विच वेयर 53 लाख ऑफ ओपन इंटरेस्ट in call side and we don't have any open interest in the
पुट साइड, ओके। सो ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट बन गया है, ये उसके नीचे का सपोर्ट है, ये उसके ऊपर का रेजिस्टेंस है। सो ये एक लेवल है, एक रेंज है, हम लोग रेंज शिफ्ट कर चुके हैं, यहाँ पे ऊपर लेवल पे आ चुके हैं। नीचे का टेक्निकल लेवल भी मैंने बता चुका है आपको, फॉलो द लेवल्स। आई होप आई हैव एक्सप्लेन टेक्निकल चार्ट एंड द लेवल्स एंड डेरिवेटिव डेटा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मीट यू ऑन वेंसडे इवनिंग विद अ न्यू डेटा विद अ न्यू स्ट्रेटजी। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह आपके लिए लेकर आ रहा हूं बैंक निफ्टी का डेली प्रेडिक्शन, जिसमें ऑप्शन डेटा एनालिसिस होगा, कॉल पुट राइटिंग अनवाइंडिंग कौन से लेवल पे हो रहे हैं सारे लेवल्स हम प्रोवाइड करेंगे, साथ में ट्रेंड लाइन लेवल्स, कैंडलस्टिक पैटर्न और लाइन चार्ट एक प्लेटफॉर्म पे सारे चीज अवेलेबल है, जो डेली बेसिस पर आप सारे लेवल्स को फॉलो कर ट्रेड बना सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। इसलिए ज्वाइन कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल शेयरफिक.in को आज ही।